आजा मेरे प्राण प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे प्राण प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, मेरे कछु साधन बल नहीं 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 प्यारे, दीन ही न हो प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, दीन ही न हो प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, ओ आजा 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 मेरे प्राणन प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे प्राणन प्यारे प्यारे मेरे प्यारे। तुमने तो ऐसा कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, जो निर्मल मन है मैं उसको स्वीकार करता हूं, तेषाम नित्याभिजुक्ता नाम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ, अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहं समुद्धर्ता। तो तुमको निर्मल मन के भूखे हो, मैं निर्मल मन कहां से लाऊं? मेरा मन तो अनादिकाल से अनंत पाप अनंत पुण्य दोनों बीमारियों से युक्त है, कोई चीज लिमिटेड नहीं सीमित नहीं, क्योंकि जन्म ही अनंत हो चुके, तो एक जन्म में ही हम लाखों कर्म करते हैं अच्छे बुरे, फिर अनंत जन्म में कितने किए होंगे। तो महाराज निर्मल मन आपको भाते हैं पसंद है, वो तो मेरे पास नहीं, और मेरा चैलेंज है कि किसी के पास मिलेगा आपको। जब तक आपकी कृपा न होगी तब तक दिव्य मन हो ही नहीं सकता। अरे निर्मल माने मल रहित और मल माने माया, तो माया रहित हो जाए कोई किसी का मन हो जाए तो तुम कृपा करो। तो माया तो तुम्हारी शक्ति है, मामेव जे प्रपद्यन्ते येषां सैव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्। जो पूर्ण शरणागत हो जाए और आप उस पर दया कर दें, हे दुस्तरा मति तरन्ति च देव मायां, वो आपकी माया को पार कर सकता है। तो महाराज निर्मल मन हो कैसे? आपकी माया को कोई जीत ले ऐसा है कोई? अगर कोई है ऐसा या हो सकता है किसी साधन से तो बताइए, तो हम मान ले कि तुम निर्मल हो करके आओ। अरे जो हम निर्मले हो जाएंगे तो तुम्हारी जरूरत क्या रहेगी कृपा करने की?
अगर हमारा मल चला जाए तो फिर हम भगवान को देख सकते हैं। ये माया के कारण ही जो पीलिया का रोग है हमको, जब जब भगवान ने अवतार लिया हम नहीं देख सके। किसी ने सात्विक रूप में देखा, किसी ने राजस रूप में, किसी ने तामस रूप में, जाकी रही भावना जैसी, मल्ला नाम नृद नाम नरबरा, सब ने अलग अलग भाव से देखा, लेकिन सब भाव माइक। ये ठीक है, किसी ने कुछ अच्छे रूप में देखा, ठीक है, कॉमन मैन है, और किसी ने कहा हे धोकौड़ी का है, लफंगा, ये फर्क जरूर है, लेकिन किसी ने भगवान के रूप में नहीं देखा, क्योंकि वो दृष्टि नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है, वैसी निर्मल माया रहित। तुम्हारा जापी जो कहते हैं निर्मल मन, तो मोहि पावा, तो कहां से निर्मल मन बना के लावे हम? कोई साधना है वेद में लिखी हुई, आपके शास्त्र में, पुराण में कहीं लिखा है कुछ? विजित ऋषि वायु भी रदांत मनस्तुरगम, ये मन ऐसा चंचल है कि जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, प्राण पर कंट्रोल कर लिया, वे भी मन से हार गए। जड़ भरत शरीर के जीवन मुक्त का पतन हो गया आपकी कृपा के बिना, क्योंकि त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, तुमने उनकी रक्षा नहीं की। क्योंकि वो अपराधी है, आपसे विमुख है, ठाकुर जी सुन रहे हैं चुपचाप। अरे सुनो, जवाब दो, हिम्मत हो तो। हाँ, ऐसे वैसे पंडित नहीं है हम। तू तो कहा निर्मल मन मोहि प्यारे, तू तो कहा निर्मल मन मोहि प्यारे, तू कहा निर्मल मन मोहि प्यारे, तू कहा निर्मल मन मोहि प्यारे, वाई पे करे कृपा तू प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, वाई पे कृपा तू करे प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे प्राणन प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे प्राणन प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, को भयो निर्मल कृपा बिनु प्यारे, को भयो निर्मल कृपा बिनु प्यारे, अरे को भयो निर्मल कृपा बिनु प्यारे, को भयो निर्मल कृपा बिनु प्यारे, अरे नाम बता दे एक प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, नाम बता दे एक प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, नाम बता दे एक प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, नाम बता दे एक प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, आजा मेरे प्राणन प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे प्राणन प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, मन को है माया तेरी दैवी शक्ति प्यारे, मन तो है माया तेरी दैवी शक्ति प्यारे,
ये माया दैवी है, भगवान की पावर है, ऐसी वैसी नहीं है कोई जीत ले। अगर कोई भगवान को जीत सकता है तो माया को जीत लेगा, यह एडमिट करते हैं। लेकिन भगवान को जीते कौन? न तत् समस्याभ्यधिक दृश्यते, न त्वत् समोस्तभ्यधिक कृतोन्य स्वयं तो साम्य अतिशयस्त्यधीशः। उसके बराबर नहीं है कोई, अधिक कौन होगा जो जीतेगा, ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हाँ, मन तो है माया तेरी दैवी शक्ति रा प्यारे, मन तो है माया तेरी दैवी शक्ति प्यारे, या ते कोई जीता नहीं प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, या ते कोई जीता नहीं प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, मन ते तो हारे ज्ञानी योग हूँ प्यारे, मन ते तो हारे ज्ञानी योग हूँ प्यारे, भरत बने मृग प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, भरत बने मृग प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे आजा मेरे आजा मेरे प्राणन प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे प्राणन प्यारे, प्यारे मेरे प्यारे। हो सकता है आप लोगों में कोई कुशाग्र बुद्धि हो, सोचे ये भक्ति करने से तो मार्ग है शास्त्र वेद में, भक्ति करो तो तब बात बन जाएगी। भक्ति क्या है? नवधा भक्ति। नवधा भक्ति करने से माया नहीं जाती। तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण चले जाते हैं, सत्वगुण नहीं जाता। अविद्या चली जाएगी, विद्या माया नहीं जाएगी। मैंने बताया बहुत बार, एक अविद्या माया होती है, एक विद्या माया। तो रजोगुण तमोगुण वाली माया को अविद्या माया कहते हैं और सत्वगुण वाली को विद्या माया कहते हैं। तो चाहे भक्ति मार्ग वाला हो, चाहे ज्ञान मार्ग वाला हो, चाहे योग मार्ग वाला हो, तमोगुण रजोगुण को तो समाप्त कर देते हैं लोग, कर सकते हैं। अब ज्ञानी योगी है, बड़ी हजारों जन्मों में बड़ी कठिनता से करते हैं, भक्ति मार्ग वाले सरलता से कर लेते हैं। धावन निमिष्टवा नेत्रे न स्खले न पते दीह, आंख बंद करके रो कर पुकारो, भागो भागो, दौड़ो, डरो मत। भगवान का चैलेंज है, कौन ते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, भिगुप्ता विचरंती निर्भया, ताते नाशन होए दास कर। यह अलग बात है, एक सरल है मार्ग, एक कठिन है, लेकिन सत्वगुण या विद्या माया को समाप्त नहीं कर सकती साधना। होता क्या है कि जब अविद्या माया समाप्त हो जाती है भक्त की, तो भगवान की स्वरूप शक्ति अंतःकरण में आ जाती है, आ जाती है, आकर वो विद्या माया को भगा देती है, तब अंतःकरण माया रहित होता है, अधिकारी बनता है। लेकिन ज्ञानी योगी चूंकि भक्ति नहीं करते, उनके भगवान उनके हृदय में नहीं आ सकते, कितने बड़ा ज्ञानी हो, वो सत्वगुण को कैसे भगाएगा? तो उनको श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है, तो सत्वगुणी विद्या माया को वो भक्ति भगा देती है, यानी स्वरूप शक्ति रूपा भक्ति शक्ति
वो भगा देती है। साधन भक्ति से माया नहीं जा सकती। अनंत कोटि कल्प साधन करे, नथिंग से समथिंग अच्छा है। रजोगुण चला जाएगा, तमोगुण चला जाएगा, काफी टेंशन समाप्त हो जाएगा, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन वह था नाइक। अभी हमारे अनंत जन्मों के कर्म हैं वो पड़े रहेंगे, अविद्या की जो गांठ है मूल वो भी पड़ा रहेगा। हम स्वच्छंद नहीं हो सकते। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्त कर्माणि तस्मिन् दृष्टे, उसके दर्शन के बाद ये सब बीमारियां जाएंगी। और दर्शन तब होगा जब दिव्य शक्ति मिले, और दिव्य शक्ति दी जाएगी स्वरूप शक्ति के द्वारा। तो वो भक्त को भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करें वो ना दें। लेकिन आप केवल भक्ति के बल पर माया को पार कर लें, जीत लें, इम्पॉसिबल। कितना बढ़िया समझाया हमने। आप जानबूझ करके भगवान को छका रहा है कि तुम्हारे रसिक लोग तो कहते हैं पतित पावन है, तू तो कर प्यार पतित सो प्यारे, तू कर प्यार पतित सो प्यारे, अस कह रसिकन प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, हस कह रसिकन प्यारे प्यारे मेरे प्यारे। अगर किसी को कोई चीज पसंद है, जैसे किसी को रुपया पसंद है, धन पसंद है, जैसे वेश्या होती है उसको पैसा पसंद है, शरीर बेच देती है पैसा मिले। मान लो कोई स्त्री 10,000 में शरीर बेचती है और कोई 1,00,000 दे तो और खुश होगी, कोई 1,00,00,000 दे अरे फिर क्या बात है। तो तुमको पतितों से प्यार करना पसंद है, पतित पावन कहलाते हो, हाँ हाँ, तो मामूली पतित से ही तुम प्यार करते हो। मैं तो सम्राट हूं, किंग, राजा हूं, पतितों का सरदार। तो महाराज इस लाइन से काम चलाओ, वो लाइन नहीं भक्ति भक्ति की। परम पतित कृपालु हो प्यारे, परम पतित कृपालु हो प्यारे, तो पावन करु द्रुत, तुरंत करो, देर नहीं, या तो जवाब दो, आओ सामने, हो जाए शास्त्रार्थ। पावन करु द्रुत प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, पावन करु द्रुत प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, आजा आजा मेरे प्राणन प्यारे प्यारे मेरे प्यारे, आजा मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे। मैंने हर एक पद में एक फिलॉसफी रखा है, हर एक पद में, लेकिन जब तक मैं उसको स्पष्ट न समझा दूं तब तक सब लोग नहीं समझते। सब और कुछ थोड़े लोग भले ही समझ जाएं, पूरा पूरा नहीं समझ पाते लोग। तो थोड़ी सी व्याख्या कर देने से फिर जब कभी भी आप पद गाएंगे वो सब मस्तिष्क में आ जाएगा। मैं प्रचारकों से नहीं कह रहा हूँ, ये लोग तो समझते ही होंगे, हाँ ये लोग माइंड करें। तुलसीदास ने एक दोहा लिखा,
शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़े सकल समाज। अब उसमें वशिष्ठ भी हैं, गुरु जी भी, स्वामित्र हैं, सब बड़े बड़े लोग और हैं, ये भी डूब गए। तो तुलसीदास ने कहा है तो गलत लिख दिया मैंने, तो उन्होंने सुधार किया कि चढ़े जे प्रथम ही मोह बस, जो उस जहाज पर पहले मोह बस चढ़े थे वे डूबे। यानी जब धनुष को उठाने के लिए जो जो गए थे राजा लोग वे डूबे, हम अपने गुरु जी को नहीं कह रहे हैं। इसलिए हम प्रचारकों को नहीं कह रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। समझ गए?